क्या हाल चाल भैया? फाइनली नॉइस ने अपने गेमिंग एबल्स लॉन्च कर दिए, क्योंकि काफी टाइम से वेट कर रहा था। रिंग्स तो लेकर आ ही रहा था, बोट ने भी लॉन्च करे, और भी दूसरे ब्रांड्स हैं जो गेमिंग एबल्स लेकर आ रहे थे, बट नॉइस ने काफी टाइम लगा दिया और फाइनली ये कॉम्बेट करके उनके ईयरबड्स आ गए हैं। तो फटाफट से देखते हैं किस तरह का डिवाइस है, पर डब्बा खोलते हैं। और उससे पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो डब्बे बढ़िया ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, कुछ की हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको प्रोडक्ट्स रिलेटेड। और कंटेंट पैकेज की बात करें, सबसे पहले आपको मिल जाता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक साल का वारंटी कार्ड, एक थैंक यू कार्ड, और साथ में मिल जाती है एक मैनुअल जिसमें ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट हम बैठे समझाने के लिए। बाकी एक्सेसरीज के तौर पर मिल जाती है आपको एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली और एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टिप्स। आते हैं सीधे यहाँ पे डिवाइस को लेकर। डिवाइस सर, नो डाउट जो ये इंतजार कराया ना नॉइज़ ने, बहुत अच्छा कराया, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं डिजाइन के मामले में ईयरबड्स। और जो फिनिश है वो बहुत परफेक्ट कर रखी है, आपको मैट फिनिश में देखने को मिलते हैं, लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है ताकि गेमिंग वाली थोड़ी सी वाइब आपको मिल सके। और जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मैग्नेट्स है, हिंजेस हैं, वो बहुत प्रॉपर दे रखे। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे हमेशा पसंद आया कि मैट फिनिश वाले ना ये स्क्रैचेस कम कैच करते हैं, ग्लॉसी वाले पर जरा फटाफट से स्क्रैचेस लग जाते हैं, जेब में लेके घूम रहे कहीं भी रखो ना तो बहुत जल्दी। पर इसका जो डिजाइन है वो बहुत अमेजिंग लगा। साथ ही में दो और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक आपका ब्लैक वाला है और एक ग्रे कलर का ऑप्शन भी अवेलेबल कर रखा है, पर मुझे पर्सनली ये व्हाइट वाला पसंद आया। अब ईयरबड्स के डिजाइन को लेकर करूं तो यहां भी वो एक फील प्रॉपर दे रखा है इन्होंने, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का यूज कर रखा है, हल्का सा आपको टेक्सचर और डिजाइन गेमिंग वाला देखने को मिल जाता है। इवन जो फिटिंग है वो बहुत जबरदस्त लगी मुझे, मतलब अगर आप इसको पहन रहे हैं वर्कआउट के टाइम पे, नॉर्मल ऐसे म्यूजिक भी सुन रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे परफेक्ट इसका फिटिंग मिल जाता है, और ऐसे बढ़िया तुम दौड़ वोड़ के लिए जा सकते हो, उसके साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। साथ में यहाँ पर जो एक बहुत खास बात मैंने नोटिस करी कि इन्होंने एक रीसेट बटन दे रखा है, क्योंकि मोस्टली लोगों को दिक्कत ये आती है कि कभी कभी उनकी एक ही ईयरबड में आवाज आ रही है, दूसरी ईयरबड में आवाज नहीं आती है। तो ये जो डेडिकेटेड रीसेट बटन है ये बहुत ज्यादा काम में आता है, बस इस बटन को आप दबाओ, यानी कि ईयरबड्स को अंदर रख दो और बटन को दबाओ, लॉन्ग प्रेस करो, आपके जो गेमिंग ईयरबड्स हैं वो रीसेट हो जाते हैं, तो दोनों साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप बढ़िया से एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकते हो। तो यार बिल्ट डिजाइन बहुत जबरदस्त, इसका नो डाउट गेमिंग वाली फुल वाइब आपको देखने को मिल जाती है, बट जो हार्डवेयर है वहां भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा है, और ब्लूटूथ 5.3 के साथ ये आते हैं। और जो सबसे खास बात मुझे यहां पे लगी, इसकी जो रेंज है वो बहुत तगड़ी है, यानी कि 10 मीटर की रेंज में आपको ऐसे कोई भी डिसकनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो ऐसा होता ना कि वो बहुत सारे ईयरबड्स आते हैं जो ब्रेक करते हैं साउंड, उसमें ब्रेकेज आने लग जाता है, तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पे इशू नहीं आएगा। और साथ ही में इसमें आपको नॉइस की जो हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती, मतलब अगर एक बार आपने इसको कनेक्ट कर लिया तो जैसे ही आप ईयरबड्स को निकालोगे, आपके अगर ब्लूटूथ चालू है तो फटाफट से कनेक्ट हो जाते, तो ये बहुत मुझे बेस्ट लगा यहाँ पे। बाकी अगर बात करें तो IPX5 रेटेड भी है, तो अगर जैसे वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, स्वेट वगैरह आ रहे हैं, गेम खेलते टाइम बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया माहौल और पसीना आ रहा है, तो भाई वहां पर कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसमें बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे तो वो भी बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, 45 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है विद केस, तो बहुत अमेजिंग है। बाकी अगर सिंगल चार्ज की मैं बात कर लूं, क्योंकि यहां पे केस में तो 400 mAh की बैटरी लगी हुई है, बट अगर आप इंडिविजुअली ईयरबड्स को यूज कर रहे हैं तो ये आपको अप टू 7 आवर्स तक का परफॉर्मेंस देते हैं, अगर आप इसको 70% ऑफ वॉल्यूम पे यूज कर रहे हैं। अब वॉल्यूम वेरिएशन से परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिफर कर जाती है, अगर 100% पे सुनेंगे तो एवरेज आप मान कर सकते हो कि 4 से 5 घंटे तक परफॉर्मेंस आपको ये ईयरबड्स देंगे, बट मेरे हिसाब से मोर देन इनफ आपको जो है बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि इन्होंने इंस्टा चार्ज टेक्नोलॉजी यूज कर रही है यहाँ पे, तो अगर आप ईयरबड्स को लगा रहे हो तो 1.5 घंटे में आपके ईयरबड्स कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं, पर ये चीज का ख्याल रखना कि आप मैक्सिमम यहाँ पे 10 वॉट का चार्जर ही यूज करें, क्योंकि टाइप सी पोर्ट जरूर दे रखा है बट ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। अगर आप 18 वॉट या उससे ज्यादा का लगाओगे तो फिर धीरे धीरे यूजेस के साथ साथ इसकी जो बैटरी है वो भी कहना कि फिर डिग्रेड होने लग जाती है, तो रिकमेंडेड चार्जर 10 वॉट का ही है। बाकी जो डिवाइस का मेजर हाईलाइट है, क्योंकि ये गेमिंग को फोकस करते हुए डेडिकेटेड बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर 40 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, और मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत जबरदस्त रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेटेंसी कम है यहाँ पे, साथ ही में जो साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेहतर देखने को मिलती है। 13 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, लेटेंसी भी कम है, ड्राइवर्स भी अच्छे हैं, तो साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस जो है आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। स्पेशली मुझे सेपरेशन बहुत अच्छा लगा, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन हैं, जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं वो आपको बहुत प्रॉपर सुनाई देती हैं। साथ ही में जो यहाँ पे स्टीरियो इफेक्ट है वो बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़े काम आती हैं। जैसे सपोज के लिए आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे एनिमीज को वॉक अराउंड आपको प्रॉपर सुनना है, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है, तो वहाँ ये ईयरबड्स भाई बहुत इंपैक्टफुल हैं और मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। और आपके लिए मैंने यहाँ पे इसके लेटेंसी का टेस्ट भी कर रखा है, तो एक बार फटाफट उस पर नजर डाल लो।
अब काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए ही है क्या ईयरबड्स, सुन नहीं, अगर आप इसको नॉर्मल म्यूजिक लिसनिंग के हिसाब से भी यूज करना चाहते हैं या मूवी वगैरह भी देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको क्वालिटी बढ़िया देखने को मिल जाती है, बेस भी काफी बैलेंस है, ट्रेबल्स भी काफी बैलेंस है और यहाँ पर जो हाई लो मिड्स का जो बैलेंस है वो भी बहुत प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। थोड़ा सा पर्सनली कहना चाहूंगा कि मूवी एक्सपीरियंस या फिर म्यूजिक एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लैरिटी और बेहतर हो सकती थी, बाकी इन टोटल आपको परफॉर्मेंस बढ़िया यहाँ पे मिल जाती है। बट यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है वो है माइक्रोफोन परफॉर्मेंस, क्योंकि ईयरबड्स में अगर आप देखो गेम खेल रहे हैं, आप गेम है तो इन गेम दोस्तों से बातचीत होती है, कॉल ऑफ ड्यूटी में बात कर रहे हैं तो अब दोस्तों को सामने हमारी आवाज कैसी जा रही है वो कहने के मैटर करती है। तो यहाँ पर उन्होंने कॉर्ड माइक्रोफोन का यूज कर रखा है जो ENC टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, तो आसपास की सराउंडिंग में जैसे आप बैठे हुए हो और थोड़ा बहुत शोर भी है तो आपके दोस्तों को आपकी ही आवाज प्रॉपर जाएगी, आसपास की नॉइस को ये कैंसिल कर देता है, तो ये एक बेहतरीन चीज है। इनके से अगर आप कॉलिंग पे बात करो, ट्रैफिक में बात करो तो वहां आपको परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगी और मैंने इसका प्रॉपर टेस्ट भी कर रखा है ऑर्डर में, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। जो और सुन रहे हैं वो आ रहे हैं ईयरबड्स के माइक्रोफोन से और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं जब भी आप इनको आउटडोर में यूज कर रहे हैं, ट्रैफिक में जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके आती है। तो कैसा लगा आपको इसके माइक्रोफोन का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पर जो कुछ एसेंशियल चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखो ईयरबड्स खरीद रहे हैं तो यहाँ पर वेट कहने के मैटर करता है। ईयरबड्स का जो वेट है वो 9.2 ग्राम का है, तो अगर आप इसको लंबे समय तक भी पहनने वाले हैं तो आपका जो एक्सेस कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा, क्योंकि गेमिंग कर रहे हैं तो 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं, तो हाँ इसको आप पहन सकते हो, लाइट वेट ही फील होते हैं। केस थोड़ा सा आपको हेवी लग सकता है क्योंकि अब यहाँ पे 400 mAh की इन्होंने बैटरी लगा रखी है तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है वेट में, बट ऐसे पॉकेटेबल डिवाइस है, कैरी करने में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आएगी। और एक जो मेजर कंसर्न हो जाता है टच फंक्शन को लेकर, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टच रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गेमिंग के लिए डेडिकेटेड मोड दे रखा है, तो उस गेमिंग मोड में आपको स्विच करने के लिए आपको ये जो सेंटर बटन है इसको 2 सेकंड के लिए टच करके होल्ड करना होगा, कोई से भी ईयरबड्स के आप होल्ड करेंगे तो आप गेमिंग मोड में स्विच हो जाएंगे और उसके बाद आपको जो है 40 mAh लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाकी अदर टच कंट्रोल की बात करें जैसे कि प्ले पॉज करना है, ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे और कंट्रोल और रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे टच का बढ़िया लगा है। अब कंक्लूजन को लेकर देखो बात करूं मैं ईयरबड्स की, तो यार अभी फिलहाल इसकी जो लॉन्च प्राइस है वो 1500 rupees है, बाद में बढ़ के 1800 rupees हो जाएगी। अब कंपटीशन में आप देखेंगे ना तो विंग्स पे आपने फोकस किया होगा तो वो एक जैसे गेमिंग ईयरबड्स लेकर आता है, बस उनके केस का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट रहता है, बट नो डाउट यहाँ पर नॉइज ने समय लिया है, टाइम लिया है और एक अच्छा गेमिंग ईयरबड लेकर आई है। मुझे पर्सनली कॉम्पिटिशन के हिसाब से गेमिंग के मामले में बढ़िया लगा, अगर आप इसकी बोट से कंपेरिजन करें तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, इवन विंग्स से भी मुझे बेहतर लगे। तो अगर 1500 rupees का आपका बजट है और एक गेमिंग ईयरबड आपकी प्रायोरिटी है, आप खरीदने का सोच रहे हैं, तो भाई लोग ये आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त चीज है। बेस्ट बाय लिंक इस डिवाइस के आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर रखी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गेमिंग वाले जितने भाई लोग हैं उनसे कमेंट करने की रिक्वेस्ट करूंगा, एक बढ़िया सा कमेंट करता हूँ कि कौन सा गेम तुम खेल रहे हो करंट फाइज में जो भी तुम्हें बड़ा मजा दे रहा है। और इनके से अगर तुम्हें कोई पर्सनल ऐसा सवाल वगैरह करना है तो अपने सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहां भी तुम बिंदा जैसा कमेंट वगैरह कर सकते हो, DM कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और समझ में आई हर एक चीज तो यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेटल रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ। We'll be right back.